Good morning, students. Now, today we will start a new exercise, exercise 13.1. So, first question is, following are the parking charges near a railway station up to? Railway station के पास एक parking stand है, जहां के parking charges क्या है? 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees and 24 hours 180 rupees. So check if the parking charges are in a direct proportional to the parking time. हमको क्या check करना है कि जो parking charges हमको लग रहे हैं, जो हमें दिए हुए हैं, क्या ये direct proportional है? So कैसे check करेंगे? हमने देखा था कि direct proportion के लिए क्या formula use होता है? K equals to x y y. ठीक? So K is a constant. And then x and y और k यदि इक्वल आ रहे हैं, जितने भी k's है ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होगी वैल्यूज? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी. और यदि k इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, है ना. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं c1. मैंने इसको डिवाइड कर दिया c1 c2 c3 एंड c4 में. सो c1 इज x by y तो 60 by 4 सब सॉल्व करेंगे साथ साथ में मेरे. c2 is 100 by 8, c3 is 140 by 12 and c4 is 180 by 24. ठीक, स्टार्टिंग के दो वैल्यूज को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप कुछ सॉल्व करके देखेंगे कि मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है. तो चलो देखते हैं. 4 1 4 कैरी टू गया 6 2 4 5 20. सो c1 इज 15. सेकंड देख लेते हैं. 8 1 8 कैरी टू गया तो 20 आ गया इधर पर. तो 8 2 60 कितना हो गया? माइनस किया हमने 20 से माइनस किया 16 को, तो कितना बचा? 4 बचा. और 4 को फिर डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. सो हियर 0.5. सो 12.50. नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे इसको, c4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.50. तो ये दोनों वैल्यूज को आप चेक करिएगा कि इट इज करेक्ट और नॉट. ठीक, तो यहां पर यदि आप देखेंगे सो c1 इज 15, c2 इज 12.50, c3 इज 11.67 एंड c4 इज 7.50. So here all values are not equal. So it is not a direct proportion. See, ये जितने भी values हैं ये क्या है? Not equal से. C1 not equal to C2 not equal to C3 not equal to C4. Clear हुआ? तो first question क्या था कि ये जो values हमें दी हुई है ये direct proportion नहीं है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस. वन पार्ट हमने किसका लिया? रेड पिगमेंट्स का लिया और 8 पार्ट क्या लिया? बेस लिया. द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड. कितना बेस लगेगा यदि हम इसके पार्ट्स को, रेड पिगमेंट के पार्ट्स को इंक्रीज करते हैं? तो उसके बेस को हमको फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं. सो हियर इज ए एंड इज इट इज बी. सो फर्स्ट इज a1 by b1 इज इक्वल्स टू 1 by a. इट इज कॉल्ड कि के बोल सकते हैं हम 1 by 8 को. ठीक,
k is constant. Now next हम देख लेते हैं, when next part देखते हैं. So next part is a is given 4 and second is b2 कर देते हैं and k. So k कितना दी आ गया था हमारा 1/8. So solve कर लेते हैं इसको, 4 b2 equals to 1/8. इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए. सो b2 इज इक्वल टू 4 × 8. कितना आ जाएगा सॉल्व करिए, 4 × 8 = 32. ठीक, देन नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, व्हेन थर्ड पार्ट. सो 7/b3 इज इक्वल टू के, सेम एज इट इज, 7/b3 इज इक्वल टू 1/8. वही कर लीजिए, b3 इज इक्वल टू 7 × 8, इट इज 56. नेक्स्ट भी सेम एज इट इज आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट में क्या जाएगा, अब तो आपको क्लियर हो गया, सेम इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं. तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 12/b4 इज इक्वल टू 1/8. ट्रांसफर कर लीजिए, 12 × 8, 12 × 8 = 96. सेम एज इट इज, b5 भी आपका आ जाएगा. ये क्या हो गया, b4 हो गया, b5 देख लेते हैं, b5 यहां पर कर लेते हैं हम सॉल्व. तो b5 के लिए क्या हो जाएगा, 20/b5 इक्वल टू 1/8. b5 इज इक्वल टू 20 × 8. सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 160. सो हियर बेस इज 32. यहां पर कितना जाएगा, 32. नेक्स्ट बेस इज 56. तो 56. नेक्स्ट बेस इज 96 एंड नेक्स्ट बेस इज 160. क्लियर हुआ, हमने क्या किया, जस्ट सिंपल फॉर्मूला यूज किए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, कांस्टेंट निकाल लिया, कांस्टेंट कितना आ गया, 1/8 आ गया. इस 1/8 को हम अलग अलग बेसिस के नीचे पुट करते गए. तो जब हमने वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट किया, तो लास्ट में जब उसको सॉल्व करें तो हमको सभी के बेस फाइंड हो गए. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क फॉर यू. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लास्ट 50,000 times. 50,000 times हमने किसी एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को इनलार्ज किया. अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 cm एज शोन इन द डायग्राम. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की हमको क्या निकालनी है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है. इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 times और उसके बाद यदि हम उस फोटोग्राफ को 20 times इनलार्ज करते हैं, कितने टाइम्स इनलार्ज करते हैं, 20,000 times इनलार्ज करते हैं, सो उसका लेंथ कितना होगा. ठीक, तो इसमें हमको दो चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट इज एक्चुअल साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज उसका 20,000 times जब हम उसको इनलार्ज कर रहे हैं सो क्या आएगा. So, first of all, let be, हमें दिया हुआ ऑलरेडी कि यदि हमने 50 times इसको 50,000 times से इनलार्ज किया है तो कितना आ रहा है उसका लेंथ, 5 cm आ रहा है. तो इसका एक्चुअल साइज कितना हो जाएगा, एक्चुअल साइज
सो 5 डिवाइड कर दिए 1, तो 1 बाय 1000 हो गया। ठीक, इसको कन्वर्ट कर ले यदि, तो 1 इंटू 10 डैश टू पावर 1, 2, 3, 4, तो -4। ठीक, एक्चुअल साइज कितना आ गया, एक्चुअल साइज कितनी आ गई लाइक बैक्टीरिया की, 10 डैश टू पावर -4 आ गई। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, तो इधर पर हम लिख लेते हैं लेंथ एंड सेकंड लिख लेते हैं इनलार्ज टाइम, इसको दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कितनी दी है, फर्स्ट लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर लेंथ हो रही है, कितने टाइम्स इसको इनलार्ज करने में, 50,000 टाइम इनलार्ज करने में। देन लेंथ हमें सेकेंड वाली फाइंड करनी है, जब उसे कितना इनलार्ज किया जा रहा है, 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जा रहा है। तो हमको क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है जब वह उसे 20,000 टाइम इनलार्ज किया जा रहा है, तो इसको हम लेंथ दी, लेंथ ऑफ 20,000 टाइम्स इनलार्ज बी एक्स, हम उसको एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 by 5000 इज इक्वल टू एक्स बाय 20,000। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 5 into 20,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30,000। ठीक, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए फिर से। सो हियर एक्स इज इक्वल टू 5 into 20,000 डिवाइड बाय 50,000, 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel, 3 cancel, 3 cancel, 5 to 5 cancel, so x is 2 centimeter, so length of bacteria is 2 centimeter, clear हुआ? So this is our question number 5 of this exercise and also it is a first part of this exercise. नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, so, इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, और यदि कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू।